Hi children, today we shall start unit 6. Okay, आज हम शुरू करेंगे unit 6 class discussion. तो चलिए class discussion में देखते हैं क्या लिखा है. क्लास डिस्कशन का मतलब होता है कि क्लास में कुछ बातें करना, आपस में बातें करना, टीचर भी कोई बात कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स भी कुछ बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं क्लास डिस्कशन. ओके, इन द क्लास डिस्कशन जेन यू हार्डली सेड ए वर्ड, वी ऑल हियर्ड आवर ओपिनियंस बट फ्रॉम यू वी बेयरली हर्ड. तो उनकी टीचर बोल रही है कि क्लास डिस्कशन में जेन तुमसे कुछ सुना नहीं हमने, तुमने कुछ बोला ही नहीं, हम सब ने कुछ ना कुछ बोला लेकिन तुम चुप रही. You sat and stayed in silence, surrounded by the chatter. तुम चुपचाप बैठ के शांति से देख रही थी जबकि चारों तरफ पूरा सब बोल रहे थे, चैटरिंग कर रहे. चैटर मतलब बहुत सारी बातें करना. Now tell me Jane and please be plain, is there anything the matter? तो जेन मुझे अभी बताओ कि कोई बात है क्या. जेन looked up and then she spoke. जेन ऊपर देखी और बोली. Her voice was clear and low. उसकी आवाज़ बिल्कुल ही धीमी और क्लियर थी, साफ था. There are many people in this world who are rather quiet, you know. There are बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो कि शांत ही रहते हैं. ठीक है, न्यू वर्ड्स पे आते हैं. डिस्कशन, टॉकिंग टुगेदर इन ए ग्रुप ऑन ए सिंगल टॉपिक. एक ही बात पे बहुत सारे लोग जब बात करते हैं उसे डिस्कशन कहते हैं. एड मेक पब्लिक. बेयरली ओनली जस्ट, बेयरली मतलब बस ऐसे ही. स्टेयर, लुक फिक्सली विद आईज वाइड ओपन. स्टेयर मतलब एकदम गड़ी हुई नजरों से देखना. व्हाट एक्टिविटी वॉज गोइंग ऑन इन द क्लास. क्लास में क्या एक्टिविटी चल रहा था. क्लास एक्टिविटी इन विच एवरी वन वॉज गिविंग देयर ओपिनियन वॉज गोइंग ऑन इन द क्लास. हु वॉज द क्वाइट वन इन द क्लास. जेन वॉज द क्वाइट वन इन द क्लास. व्हाई वॉज शी क्वाइट. शी वॉज क्वाइट बाई नेचर. How do you interact in class during discussion? Do you participate or remain quiet? तो आप जब क्लास डिस्कशन होता है तो आप कैसे रहते हो, शांत रहते हो या फिर आप भी बातें करते हो. ओके, ये आप अपने हिसाब से आंसर दे सकते हैं. चलिए नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं. द टॉकेटिव बार्बर. एक बकबक करने वाला, बहुत ही बातूनी क्या बार्बर. बाल काटने वाले को बार्बर बोलते हैं, नाई को. ओके, लॉन्ग लॉन्ग एगो ए सुल्तान हुज नेम वॉज सहरियर रूल ओवर ए लार्ज किंगडम. हिज क्वीन वॉज अ गुड स्टोरी टेलर. बहुत सालों पहले, कई सालों पहले एक सुल्तान थे. ठीक है, सुल्तान मतलब राजा ही होता है, बादशाह बोलते हैं ना, राजा बादशाह सुल्तान. तो ऐसे ही थे सुल्तान जिनका नाम था सहरियर. वो बहुत ही बड़े राज्य के ऊपर राज करते थे. उनका जो रानी थी, उनकी जो रानी थी वो बहुत ही अच्छा कहानी सुनाती थी. इच नाइट शी वुड टेल अ स्टोरी टू द किंग. हर रात वो अपने राजा को एक कहानी सुनाया करती थी. शी नरेटेड एंशियंट पर्शियन एंड अरबिक फोक स्टोरीज. वो पर्शियन कहानियाँ और अरबिक जो लोक कहानियाँ थी वो भी बताया करती थी. दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम द अरबियन नाइट. ये एक कहानी है जो कि अरबियन नाइट से है. रीड द स्टोरी अबाउट अ मैन हु कांट स्टॉप टॉकिंग. ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो कभी बातें करना बंद नहीं कर सकता. इन द सिटी ऑफ काशगर, काशगर नाम की एक शहर थी, लिव्ड अ बर्बर हु वॉज ए ग्रेट टॉकर. एक बर्बर रहता था, एक नाई रहता था जो बहुत ही बात करता था. वंस अ सुल्तान कॉल द बर्बर टू शेव. एक बार सुल्तान ने उस नाई को बुलाया, किस लिए, बाल काटने के लिए. ओके, शेव हिज हेड, सर के बाल मुंडवाने के लिए बुलाया. द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम. जो नाई था वो बातें करता रहा करता रहा, उसका मुंडन कर ही नहीं रहा था. द सुल्तान गॉट एंग्री. सुल्तान गुस्सा हो गए. When are you going to stop and begin to do your work? कब तुम बातें करना बंद करोगे और अपना काम शुरू करोगे. The barber replied, You do me an injury by calling me a chatterer. आपने मुझे क्या पहुँचाया, इंजुरी मतलब मुझे चोट पहुँचाई ये बोल के कि मैं बहुत बात करता हूँ. For everyone says I am very quiet, क्योंकि सब बोलते हैं मैं बहुत शांत हूँ. I have six brothers whom you might call chatterers. मेरे छह भाई हैं जिनको आप बोल सकते हो कि वो बहुत बात करते. देयर नेम्स आर बैकबोन, बकबून, बकबरा, बकबुरया. तो देखो हर किसी के नाम में बक है,
तो वो लोग बहुत बकबक करते हैं. ओके, एक का नाम तो बकबक ही है, बकबक, अलकोज, उलकोज, अलनसी, उलनशी, और साजबी, शाकाबक. ओके, तो इसको ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हैं. पहला वाला नाम है बकबन, दूसरा का नाम है बकबरिया, और तीसरा का नाम है बकबक, और चौथे का नाम है उल्कुस, और पांचवे का नाम है उल्नशी, एंड छठे का नाम है शाका बक. वन इज हम बैक. ओके, वन इज अदर, वन इज टूथलेस. एक क्या कुब्जा है, पीठ. कुब्जा पीठ मतलब पीठ के ऊपर एक थोड़ा सा कुब्जा होता है, जैसे ऊंट का होता है ना वैसा. एंड एक के दांत नहीं है. वन इज हाफ ब्लाइंड, एक काना है. वन इज क्वाइट ब्लाइंड, एक बहुत ही अंधा है. वन इज डेफ, एक को सुनाई नहीं देता. एंड द अदर हैज अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच, और एक को बोलने में प्रॉब्लम है, बोलने में दिक्कत है. एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर, सब बहुत बातें करते हैं. बट आई एम द यंगेस्ट इन माई फैमिली, लेकिन मैं सबसे छोटा अपने परिवार में. देखिए वो अपने भाइयों के बारे में बता रहा है ना, भाइयों की गद्दी गई है. तो एक का दांत नहीं है, एक का क्या नहीं था, सुनाई नहीं देता था, एक अंधा था, एक को बोलने में दिक्कत है, एक काना था. ठीक है, तो इस तरीके से उनकी पिक्चर दी गई और राजा को बताया. देखिए राजा कैसे गुस्से में है कि उसका काम नहीं कर रहा. गिव हिम 3 पीस ऑफ गोल्ड, द सुल्तान क्राइड. सुल्तान ने बोला कि इसको 3 सोने के सिक्के दे दो, इसको दफा करो यहाँ से, भगा दो यहाँ से. लॉसिंग ऑन दिस पेशेंट, बहुत गुस्सा हो गए. आई विल नॉट बी सेफ टूडे, मैं आज मुंडवाऊंगा नहीं सर अपना. माई मास्टर क्राइड द बार्बर. बार्बर ने तब बोला कि मेरे मालिक, इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू, इट वॉज यू हु ऑर्डर मी टू कम. मैं आपके खोज करते करते नहीं आया हूँ, बल्कि आप ही मेरे को मंगवाए थे, मुझे बुलाया था. सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस अंटिल आई हैव शेव्ड यू. मैं आपके घर से तब तक नहीं जाऊँगा जब तक मैं आपका मुंडन नहीं कर दूँ. ही देन बिगिन नरेटिंग अनदर स्टोरी. फिर बार्बर अपना एक और कहानी सुन लेके बैठ गया, विच लास्टेड हाफ एन आवर, और ये आधा घंटा तक सुनाने लग गया. स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस एंड लेट मी गो क्विकली, आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस. मुझे बहुत ही एक ज़रूरी काम करना है, मेरा जल्दी काम खत्म करके मुझे जाने दो, राजा बोलता है. आई हैव टू गो आउट एट नून सेड द सुल्तान, मुझे दोपहर तक जाना है, सुल्तान बोलते हैं. व्हेन ही सॉ दैट द सुल्तान वॉज रियली एंग्री, जब नाई ने देखा कि सुल्तान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, नाई ने बोला, ओ मास्टर डोंट बी एंग्री, आई विल बिगिन टू शेव यू. अरे मेरे मालिक गुस्सा मत होइए, मैं शुरू करता हूँ आपको मुंडन करना. सेइंग दिस ही वॉश द सुल्तान हेड एंड बिगिन टू शेव, वो ऐसा बोल के वो सुल्तान के सर धो के मुंडन करना शुरू किए. बट ही हैड नॉट टच्ड हिम इवन 4 टाइम्स विद द रेजर व्हेन ही स्टॉप्ड एंड सेड. 4 बार भी उन्होंने क्या नहीं चलाया था, खूर नहीं चलाया था, और वो फिर से शुरू किया. माई मास्टर यू आर एक्टिंग हेस्टिली इन दिस मैटर, मेरे मालिक आप बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रहे हो इन सब बातों को लेके. गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान. सुल्तान ने गुस्सा होकर बोला, तुम अपना काम करो, ज़्यादा बात मत करो. बी पेशेंट सेड द बार्बर. बार्बर बोले, धैर्य रखिए, परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल द व्हाट यू वेर गोइंग टू डू. आई विश यू वुड टेल मी व्हाट इज द मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इज ऑल अबाउट, देन आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट. वो बोलने लगे कि आप जो महत्वपूर्ण काम के बारे में बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट काम के बारे में, उसके बारे में मुझे भी बताइए, क्या पता मैं कुछ सुझाव दे सकूं. फिनिश शेविंग एट वॉस द सुल्तान एक्सक्लेम. सुल्तान गुस्सा होकर फिर से बोले, तुम अपना काम करो और ये खत्म करो मुंडन करना. बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेड एंड गो एंड सी व्हाट टाइम इट वॉज. बल्कि वो सुनने के, वो काम खत्म करने के बजाय बार्बर क्या किया कि अपना काम बीच में छोड़ के वो टाइम देखने चला गया कि कितना टाइम हो रहा है. माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड द सुल्तान से. सुल्तान बोला, मेरा धैर्य का मान खत्म हो रहा, अब मैं धीरज नहीं रख सकता. बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी सेव्ड इन ए मोमेंट. और नाई क्या बोलता है कि मेरे मालिक शांत हो जाइए, अब भी हो जाएगा आपका काम. बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, लेकिन ये करते करते भी वो बात करते रहा. इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी वॉट इज द इम्पोर्टेंट अफेयर इज आई कुड गिव मोर एडवाइस, लेकिन अगर आप बता देते कि वो काम क्या था तो मैं कुछ बोलता, ऐसा करने लगा नाई. द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप. ना सुल्तान अब बहुत थक चुका था उसकी बातें सुन सुन के, एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर, और नाई की बात मानने के लिए तैयार हो गए. ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज गिविंग ए फिस्ट टू सम फ्रेंड्स. उन्होंने बताया कि वो किसी दोस्तों, कुछ दोस्तों को
दावत दे रहे दोपहर को, विच इज़ वाई ही वॉज इन अ हरी टू लीव, इसीलिए वो थोड़ा जल्दी में है जाने के लिए. When the barber heard the sultan mention a feast, he exclaimed, जैसे ही नाई ने सुना कि सुल्तान दावत के बारे में बात कर रहे थे, वो बोले, ah, that reminds me, yesterday I invited 4 or 5 friends to come over to my house today, but I had quite forgotten it and have not made any preparation for them. वो बोला, अरे मुझे अब भी अचानक याद आया, मैंने 4 या 5 दोस्तों को कल घर पे बुलाया था, कल बुलाया था कि आज घर पे आ जाना खाने के लिए, लेकिन मैं तो भूल ही गया कुछ बनाना उनके लिए. द सुल्तान हु वाज एट द मर्सी ऑफ द बर्बर वाज रेडी टू डू एनीथिंग टू बी रिड ऑफ हिम. सुल्तान को लगा कि इसके छुटकारा पाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा. बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, द सुल्तान रिप्लाई. सुल्तान ने बोला कि जल्दी ख़त्म करो अपना काम, एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे, और मेरे लिए जो जो खाना बनाया गया आज सब तुम ले जाना. प्लीज़ शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ इट इज़ अनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स. आप मुझे खाना दिखाइए. तब नाई बोलता है कि आप मुझे प्लीज़ खाना दिखाइए ताकि मैं बता सकूँ कि ये मेरे 5 दोस्तों के लिए होगा कि नहीं. I have enough food for you, the Sultan said. सुल्तान ने बोला मेरे पास बहुत खाना है, सबके लिए हो जाएगा. But he ordered that all the food prepared for the feast be brought in. फिर उन्होंने बोला कि जितना खाना बनाया गया दावत के लिए सबको अंदर लाया जाए. The barber looked at the food and said, this is very good, but I shall want some fruit for dessert also. नाई खाने को देख के बोलती, ये खाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे फिर कुछ फल भी चाहिए मीठे के लिए, आखिर में खाने के लिए. The Sultan in desperation, since his head was half shaved, ordered that all the food should be brought in. Sultan बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे थे क्योंकि उनका सर आधा ही मुंडा हुआ था. वो बोले कि सारे फलों को भी ले के आओ दरबार में. अब देखिए ये क्या कर रहा है, आधा आधा सर मुंडवा के सुल्तान के आधे सर में बाल है, और ये नाई क्या कर रहा है, नाई खाना देख रहा है कि क्या क्या खाने में है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, है ना. द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग इन द सुल्तान टू एग्जामिन ईच डिश सेपरेटली. बार्बर नाई क्या करने लगा, काम छोड़ के, शेविंग छोड़ के खाना देखने लगा, हर खाने को एक एक बार चक चक के देख रहा है. ही डिश टुक अप हाफ एन आवर, ये करते करते उसे आधा घंटा बिता दिया. द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंटली बट द बार्बर डिड नॉट हरी. सुल्तान बहुत ही गुस्से में गर्रा रहे थे, फिर भी नाई को कोई फर्क नहीं पड़ा था, वो बिल्कुल जल्दी में नहीं था. However, he again took up the razor, but after a few minutes of work, he suddenly stopped and cried, I never knew that you were so generous. अचानक से फिर कुछ देर के बाद वो मतलब करने लगा अपना काम, बाल मुनने लगा, और 2-3 बार उस तरह चलाने के बाद वो क्या बोल रहे, मुझे पता ही नहीं था कि आप इतने दयालु हैं. तो ऐसे करके ये कहानी ख़त्म हो गई. न्यू वर्ड्स पे आते हैं. चैटरर, समवन हु टॉक्स अ लॉट, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा बातें करता है. चैटरर, समवन हु टॉक्स अ लॉट, वो इंसान जो बहुत सारे बातें करते हैं उनको चैटरर कहते हैं. डिफेक्ट, फॉल्ट, डिफेक्ट मतलब कोई गलती, कुछ खराबी. ओपिनियन, व्हाट अ पर्सन फील्स अबाउट अ पर्सन थिंग और ऑब्जेक्ट. ओपिनियन मतलब किसी के बारे में राय देना. एग्जॉस्टेड मतलब टायर्ड एंड फेड अप, थक जाना, मतलब इरिटेट हो जाना. डिजर्ट, स्वीट डिश सर्व आफ्टर द मेन मील, कुछ मीठा खाते हैं ना खाने के बाद उसको डिजर्ट कहते हैं. एग्जामिन, टेक ए लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली, कुछ चीज़ का निरीक्षण करना, ठीक है. एट लेंथ, एट ए स्ट्रेच, मतलब एक लंबी दूरी तक, लेंथ, ठीक है. चलिए नेक्स्ट में जाते हैं, लेट्स रीड. हाउ मेनी ब्रदर्स डिड द बार्बर हैव. बार्बर हैड 6 ब्रदर्स. व्हाई वाज द सुल्तान इन अ हरी. The Sultan was in a hurry because he had invited some friends for a feast at noon. Why did the barber take so long to shave the Sultan? The barber took so long to shave the Sultan because he was very talkative. Okay? True or false लिखना है, जो सही होगा उसमें true लिखना है, false होगा वो false लिखना है, मतलब गलत होगा false लिखना. The barber was shaving Sultan's head. Beard, दाढ़ी तो नहीं कर रहा था ना वो, तो false. द सुल्तान गेव हिम 3 कोरकोइन. सुल्तान ने उनको 3 सिक्के दिए. सिक्के दिए नहीं थे, सिक्के के लिए बोला था, इसलिए वो फॉल्स. ओके. द बार्बर रिफ्यूज टू लीव द सुल्तान. से बार्बर सुल्तान का महल छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था. ट्रू, देयर वर 7 ब्रदर्स ऑल टुगेदर इन द सुल्तान फैमिली. सुल्तान की फैमिली में 7 भाई थे. फॉल्स ना, वो तो नाई के घर में 7 भाई थे. ओके.
नेक्स्ट में आते हैं, व्हाई डिड द बार्बर वांट अ लॉट ऑफ फूड? बार्बर को बहुत सारा खाना क्यों चाहिए था? उसके दोस्त आने वाले थे इसलिए चाहिए था ना. तो द बार्बर वांटेड अ लॉट ऑफ फूड बिकॉज ही हैड इनवाइटेड 4 or 5 फ्रेंड्स टू कम टू हिज हाउस दैट डे बट हैड क्वाइट फॉरगॉटन इट एंड हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशन फॉर देम. डिड द सुल्तान एंजॉय द बार्बर स्टॉक? Why do you say so? सुल्तान बार्बर जो बातें कर रहा था, नाई जो बातें कर रहा था, क्या वो सुन सुन के खुश हो रहा था? अगर नहीं तो क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? और अगर हाँ तो क्यों लगता है? ठीक है, मुझे लगता है नहीं खुश हो रहा था, इसे मैंने नहीं कहा ही कारण लिखा. आपको लगता है खुश हो रहा था तो कारण लिखिएगा आप. द सुल्तान डिड नॉट एन्जॉय द बार्बर स्टॉक बिकॉज ही गॉट इरिटेटेड एंड वॉन्टेड द बार्बर टू लीव सून. व्हिच पार्ट ऑफ द स्टोरी डिड यू फाइंड द फनीएस्ट? आपको कौन सी पार्ट सबसे ज़्यादा मज़ेदार और सबसे ज़्यादा सुन के हंसी आई, वो पार्ट आपको लिखना है. ठीक है, व्हाट आर द थिंग्स दैट द सुल्तान गिव टू द बार्बर? द सुल्तान गिव द बार्बर फूड एंड फ्रूट्स फॉर डिजर्ट. डू यू थिंक द सुल्तान वॉज रियली वेरी जनरस? व्हाई डू यू से सो? क्या आपको लगता है कि सुल्तान बहुत सच में बहुत दयालु था? अगर हाँ तो लिखिए, नहीं तो कारण भी लिखिए. ठीक है, मैंने इसलिए उसका आंसर नहीं लिखा, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो. ओके, स्टडी द वर्ड्स इन द फर्स्ट कॉलम एंड सी द चेंजेस इन देम एंड द सेकेंड कॉलम. द वर्ड्स इन कॉलम टू आर द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड्स इन कॉलम वन. तो कॉलम वन में कुछ वर्ड है, कॉलम टू में कुछ वर्ड है. ठीक है, देखिए वन टू लिखा है ना, वन में जो वर्ड है ना उसका ऑपोजिट है टू में, लेकिन सबके सामने कुछ दो शब्द जोड़ दिए गए हैं जिसकी वजह से ऑपोजिट हो गया. दे वी हैव एडेड टू वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ द सेकेंड कॉलम वर्ड सो दैट इट बिकम ऑपोजिट. जैसे इम्पोर्टेंट में अन लगा दिया, यू एन, वी एडेड यू एन इन इम्पोर्टेंट सो इट बिकम अन इम्पोर्टेंट. पेशेंट इम्पेशेंट, प्लेजर डिसप्लेजर, ऐसे करके. बिलीव डिसबिलीव, शेव्ड अनशेव्ड, परफेक्ट इम्परफेक्ट, सेटिस्फाई अनसेटिस्फाई, पोलाइट इम्पोलाइट, रेस्पेक्ट डिसरेस्पेक्ट, प्योर इम्प्योर, एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड, ओबीडियंट डिसओबीडियंट. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स बाय एडिंग अन इम और डिस इन द फॉलोइंग वर्ड्स. द टीचर गॉट अपसेट विद रानी बिकॉज हर वर्क वॉज अनटाइडी. द डॉग वॉज अनएबल टू क्लाइम द ट्री टू चेस द कैट. I dislike hot milk. I like it cold. It is impossible to cross the road during peak traffic hours. The magician waved his magic wand and made the rabbit disappear. The passengers became impatient when the train was late again. It is very unkind to make fun of other person's weakness. Okay? Notice the highlighted word in the sentence given below. Please wait with me till the bus arrives. Do you like football or cricket? Okay. My father packed my lunch while my mother combed my hair. We will reach on time if we go by car. Your speech cannot be heard by the audience unless you use a powerful mic. It was a beautiful day, so they decided to go for a picnic. Okay. लुक एट द वर्ड्स इन द बबल. बबल में कुछ वर्ड दिया हुआ ना, सी ड्रिंक प्ले येल डांसिंग डिसर्व रन एन्जॉय बाई वेव शाउट राइट ग्रीट विन थियर कम्प्लीट. तो अभी क्या करना है ना, राइट वर्ड्स व्हिच व्हाट यू डू व्हेन यू आर एट अ फीस्ट. वो वर्ड्स लिखना है जो आप इन सब जगहों पे होते हो तो क्या करते हो. फीस्ट मतलब दावत. दावत में तो हम जूस पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं. यहाँ पे ईट लिखा नहीं है, नहीं तो मैं लिखती. तो ड्रिंक एन्जॉय. ओके, रेस में क्या करते हैं वो आपको लिखना, आप जो करते हो वो लिखना है. ओके, इसलिए मैंने खुद का नहीं लिखा. क्रिकेट मैच में क्या करते हैं, सिनेमा में क्या करते हैं, फेयर मतलब मेले में जाके क्या करते हैं, पार्टी में क्या करते हैं. ओके, ये सब आपको लिखना है. नेक्स्ट में देखिए, हाउ डज योर फादर ओब्लिक अंकल शेव हिज फेस एवरी डे. आपके पापा, आपके चाचा या आपके बड़े भैया कोई होंगे घर पे, जो बड़े आदमी होते हैं वो अपना दाढ़ी साफ करते हैं ना, दाढ़ी बनाते हैं. द लेटर इज, तो इसका एक प्रोसेस लिखा हुआ, ही लेटर्स हिज फेस विद शेविंग क्रीम देन ही यूजेस हिज रेजर ही रन्स इट ओवर हिज फेस. तो कैसे मतलब क्रीम लगाते, फोम लगाते, उसके बाद उसको शेविंग क्रीम लगाते, फिर उसके बाद क्या करते हैं, रेजर चलाते हैं फेस पे, उसके बाद उसको क्लीन करते हैं, उसके बाद उसको साफ करते हैं, फिर उसको पोंछते हैं, ऐसा करके पूरा प्रोसेस लिखा है. तो अभी यहाँ पे दो चीज़ें हैं जिनका प्रोसेस लिखना है.
हाउ टू सेंड लेटर ऑब्लिक ईमेल, तो आपको पता होगा कैसे करते हैं। हाउ टू मेक अ सैलड, सैलड कैसे बनाते हैं वो भी पता होगा। ईमेल में क्या है कि आपको कंप्यूटर खोलना है, आपके पास एक ईमेल अकाउंट होनी चाहिए, उस ईमेल अकाउंट के थ्रू आपको एक कंपोज में जाना है, कंपोज में आपको मेल टाइप करना है, किसको मेल भेजने वो एड्रेस डालना है, फिर आप चाहते हो कि कौन कौन पढ़े उस मेल को, उसको BC CC में डालना है, फिर उसके बाद आपको सेंड बटन क्लिक करना है। और इन सब के लिए एक इंटरनेट चाहिए होता है, जिसके लिए आप या तो वाईफाई यूज़ कर सकते हो या इंटरनेट। तो ये पूरा प्रोसेस लिखना है, तो ये आपको जब स्कूल में कराएंगे आप कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद से भी कर सकते हैं। हाउ टू मेक ए सैलड, तो आप उसमें क्या क्या वेजिटेबल्स डालना चाहते हैं और किस शेप में चॉप करना चाहते हैं, प्लेट लेना है, आप उसको वेजिटेबल्स चूज़ करना, जैसे कि कैरेट, क्यूकम्बर, अनियन, टोमेटो, चिली, ठीक है, और फिर लेमन, इन सबको आप स्लाइसेस करेंगे, स्लाइसेस करेंगे प्लेट में डेकोरेट करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर से सॉल्ट स्प्रिंकल करेंगे, कुछ लोग पेपर स्प्रिंकल करते हैं। तो आपको जिस हिसाब से करना है आप उस सैलड का प्रोसेस लिख सकते हैं। ओके, तो मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखा यहाँ पे। ओके, तो ये था चैप्टर 6। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फन लर्न, और दूसरे वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नए नए वीडियोस का तुरंत अपडेट मिल सके और आपको हेल्प हो सके। और कुछ में से गलती हो गई हो या कुछ जो कि इम्प्रूवमेंट वाला चीज़ है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।